जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली के गई। आज मैं ना जरा थोड़ी एक्साइटेड हुई हूँ, कुछ एक्स्ट्रा एक्साइटेड हुई हूँ, और इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी वीडियो का स्टार्ट कैसे करूँ। क्योंकि आम रूटीन में मैं जब करती हूँ तो मैं कहती हूँ जी अस्सलाम वालेकुम, और आज मैं कह रही हूँ जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली के गई। मैं आपको सलाम कर रही हूँ, मतलब दिल से मैं आपको सलाम कर रही हूँ। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज आपकी बहन जो है ना, वो बड़ी खुश है और बड़ी एक्साइटेड है। क्यों खुश हूँ यार, किस वजह से खुश हूँ ये तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आप लोगों ने इससे पहले क्या करना है, आपने मुझे ऑलरेडी भरपूर प्यार दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना दिया है कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आप लोगों ने मुझे कितना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, और अगर अल्लाह ताला ने आपको प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से एंड स्वीट स्वीट से अल्लाह ताला ने आपको अगर ये हाथ दिया ना, तो आपने इनके साथ क्या करना है, आपने इनके साथ मेरे चैनल को मेकअप बाय हलीमा को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल के आइकन को प्रेस किए बगैर आपने नहीं जाना, वरना मैं हो जाऊँगी आपसे नाराज। बस दिल से नहीं नाराज होना मैंने आपके साथ, और क्योंकि आप लोग इतना प्यार करते हैं, और जब आपकी फैमिली आपको इतना प्यार करे, इतना सपोर्ट करे ना, तो फिर नाराज़ नहीं होते, खुश होते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ, आपको मेरे गेटअप से पता चल रहा होगा कि आज मैं कितनी खुश हूँ। और आज ही मैंने सिंधी शॉल ली हुई है, मेरे दिल कर रहा था लेने को ना, मुझे वाइट के साथ अच्छा लग रहा था ना इसका, तो मैंने ले लिया, और आई लव दिस सिंधी कल्चर, और ये बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोगों ने बताना है मैं कैसी लग रही हूँ, ये भी आप लोगों ने कमेंट करके ना मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है ना? तो मैं वेट करूँगी। चलिए जी, बातें हो गई हैं बड़ी, अब आते हैं जी मेन टॉपिक पे कि मैं क्यों खुश हूँ, किस वजह से खुश हूँ। तो आज आपको फाइनली मैं बताती हूँ कि आपकी बहन को पिन रिसीव हो गई है, ठीक है? और उस पिन की इतनी खुशी होती है ना कि क्योंकि आपने बहुत मेहनत की होती है, दिन रात मेहनत की होती है, और एक टाइम ऐसा आता है आपको लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं होने वाला, मतलब लोग लाइक ही नहीं करेंगे, लोग पसंद ही नहीं करते, लोग सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे एक ही बात कहूँगी, अगर आपका दिल साफ है, आपकी नीयत साफ है ना, और अगर आप अल्लाह ताला से यकीन रख के मांगते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि मुझे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला जो हमारा रब है ना, वो बंदे को कभी भी मायूस नहीं छोड़ता, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मेरे साथ हुआ है। और जी फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे मेरी पिन रिसीव हो चुकी है, ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, ठीक है? तो अब बस मैंने आपसे यही कहना है, ये पिन मुझे रिसीव हो चुकी है। अगर आपने मुझे इतना प्यार दे दिया ना, तो यहाँ पर आप ये देख भी सकते हैं, ये देखें जी, ये मुझे गूगल की तरफ से रिसीव हुई है, और ये मुझे पहले रिसीव हुई थी जब मैं लाहौर गई थी स्ट्रॉन्ग उज़्मा के पास इंटरव्यू देने के लिए। तो बट तब मैंने ये वीडियो शूट नहीं थी की, और अब कह रही हूँ, अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपसे यही कहना है कि आपने मुझे इतना प्यार दिया है कि आज मुझे ये पिन रिसीव हुई है, तो अब आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा प्यार और देना है, और जल्दी जल्दी से ना जो आपने मेरे वो 10K करवाने हैं कंप्लीट। और मैंने अपनी जो खुशी थी वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जी मैंने स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे जाके इंटरव्यू दिया था, और वहाँ पे मैंने कुछ इमदाद की थी, ठीक है? और वो शो ऑफ करना नहीं था कि उसको शो ऑफ किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि आप लोग एक हाथ से दें तो आपके दूसरे हाथ को इस चीज़ का इलम भी ना हो, ठीक है? तो मदद करना ये होता है, ये नहीं है कि आप मदद भी करें और आप दिखावा भी करें, और मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं किसी की मदद करूँ और मैं दिखावा करूँ, ठीक है? क्योंकि मदद जो की जाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात के लिए की जाती है, ठीक है? और दिल से की जाती है, ना कि दिखावे के लिए। तो इंशाल्लाह आज मैं उस मुकाम पर हूँ, और ये मुकाम मुझे अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया, और मैं इसका जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। और खैर मैं बहुत बड़े बड़े दावे नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि आपको आपकी ज़िंदगी का बिल्कुल भी नहीं पता होता, आज इस टाइम ठीक है तो कल उस टाइम को पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है? लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करे सबके लिए, और हमेशा अल्लाह ताला जो है ना बुरे वक्त से सबको महफूज रखे। तो बस मैं इतना कहूँगी कि इंशाल्लाह अब ज़िंदगी रही और अल्लाह ताला ने तौफीक दी, तो मैं बहुत से लोगों की हेल्प करूँगी इंशाल्लाह, और ये मैं दिल से कह रही हूँ, क्योंकि मेरा एक ही मकसद था स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे जाके इंटरव्यू देने का, ताकि शायद मेरी वजह से
कोई और भी किसी की हेल्प कर और भी किसी की हेल्प कर सके। ठीक है, उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह आज सब कुछ है, और ये सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, और स्पेशली मेरे पेरेंट्स की, मेरे घर वालों की सपोर्ट की वजह से, और मेरे एक भाई हैं जिन्होंने मुझे दिन रात इतना सपोर्ट किया ना कि मैं, मेरे दिल से धुएँ निकलती हैं उनके लिए, कि अल्लाह ताला उनको रहती दुनिया तक जो है ना सलामत रखे। कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना उन्होंने मेरे लिए किया है, और मैं उनका यहाँ पे नाम नहीं ले सकती, लेकिन मैं दिल से कहूँगी कि आप हमेशा खुश रहें, और अगर आप जैसे भाई मिल जाए ना तो मैं कहती हूँ कि दुनिया की हर बहन जो है ना वो मेरी तरह कामयाब हो जाए। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। और आज मैंने इतनी बड़ी बात कह दी है ना, तो उस बात का सिर्फ मकसद ही नहीं है बल्कि दिल से मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है ना, और मैं जब कहीं जाती थी तो मैं किसी को देखती थी ना, तो मुझे उस टाइम ये होता था काश मेरे पास होता तो मैं उसको दे देती, और आज है इतना के सोच नहीं है मेरी, मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं था। और लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जो सोचते हैं ना अल्लाह ताला आपको उससे बढ़ के देता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दिया भी है, और मैं उसका कितना शुक्र अदा करूँ कम है। और ये आंसू कोई दुख के नहीं है, ये आंसू जो है ना वो खुशी के हैं। ठीक है, तो बस अल्लाह ताला यही दुआ किया करें, जब आप खुश होते हैं ना तो अल्लाह ताला आपकी खुशियाँ बरकरार रखे और हासिदीन से महफूज रखे, और हासिदीन कोई गैर नहीं होते, वो अपने ही होते हैं, तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे ऐसे हासिदीन से, मैं यही कहूँगी। और अगेन यार दिल से थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, और आप लोगों की वजह से आज मैं मतलब ऐसी हूँ, मतलब जब मैं अपनी फर्स्ट वीडियो देखती हूँ ना तो मुझे लाइक हंसी भी आती है ना, वो इसलिए कि मतलब बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, समझ ही नहीं थी आती वीडियो कैसे शूट करनी है, किस तरह से करनी है, कैसे बनानी है, तो लेकिन अब अब तो ऐसे 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 बनती हैं वीडियो यार, अब तो मैं कहती हूँ कि बस हम जी हो गए हैं एक्सपर्ट, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी बहन, आपको दिल से, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपका थैंक यू कैसे करूं, आप देख सकते हैं कि मैं कितनी एक्साइटेड हूं, और इंशाल्लाह कुछ डेज तक हम केक भी कट करेंगे, छोटी सी सेलिब्रेशन करेंगे, बहुत इससे पहले कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए और आप लोग हो जाएं बोर, तो बोर मैं आपको करना नहीं चाहती, बस मैं यहां पे करती हूं वीडियो का एंड। तो एंड पे मैंने क्या कहना, आपको पता है कि आपकी बहन एक ही बात कहेगी, और वो कौन सी बात है, वो यही है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और इस प्यारे से थम के साथ जो है ना आपने यूं करके ठप्पा लगा देना है चैनल पे, ताकि मेरा चैनल हो जाए सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।